एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे दिव्या की एंट्री हो रही है हल्दी सेरेमनी के लिए। बच्चों ने ही अपने आप से सब कुछ किया था, जो भी डेकोरेशन वगैरह की थी सब बच्चों ने खुद से की थी, कोई बाहर से नहीं बुलाया था, बस सामान लेके आ गए थे और सारी बच्चों ने की थी। तो ये देख सकते हैं महक लगी है आगे, खुशी है, और दिव्या की फ्रेंड्स वगैरह हैं, भाभी हैं, सभी रिश्तेदार हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा मज़े आए थे एंट्री में। कुछ हंसी, कुछ मतलब गम, सब कुछ था। क्योंकि देखिए, इस शादी में आप सबको पता ही है कि इस शादी में हर चीज़ खुशी से तो नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ में दीदी की याद तो आ ही आई है। और हर फंक्शन में ऐसा नहीं हुआ कि दिव्या ना रोई हो, क्योंकि मेरी जो दीदी थी ना, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली होती थी हर चीज़ में, खासकर शादी ब्याह में तो उसका जवाब नहीं होता था, और वही नहीं है, उसके बिना ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। बहुत तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले दिव्या के अम्मा और बाबा यानी दादी बाबा आए थे दिव्या के साथ फ़ोटो कराने। और ये जो दिव्या के बाबा हैं ना, बहुत बहुत सीधे इंसान हैं, और इस मतलब इन्होंने इतनी याद की थी ना दीदी की, हर मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार रोते थे ये, जो कि अभी आप देखेंगे कि दिव्या नहीं रोई थी, लेकिन बाबा की आंखों में आंसू तो बस, फिर दिव्या भी अपने आप को रोक नहीं पाई। हम लोग भी बहुत कंट्रोल किए थे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, कि दिव्या ना रोए ना रोए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि माँ की याद ना आए, और माँ बिना तो सोच ही नहीं सकते ना कुछ भी। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर, बहुत रो रही थी दिव्या, बहुत जैसे तैसे उसको शांत किया, कि बाबा बहुत ज़्यादा ही याद करते हैं दीदी की। तो देख सकते हैं अभी भी रो रहे हैं, और अम्मा बाबा सभी, में किसी की नहीं कहती, सभी लोग दीदी को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको ये बताई थी एक चीज़, कि दीदी हर चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी, उसे बहुत शौक़ था शादी ब्याह का, सब कुछ तैयारियों का। तो फ्रेंड्स ये जो है दिव्या की फ्रेंड है अमिता, बेस्ट फ्रेंड, और ये है दिव्या की बुआ गुड़िया दीदी। तो यही है, और बाकी अम्मा बाबा से मैंने आपको मिलवाई दिया। धीरे धीरे मैं आपको सबको बताती जाऊंगी कि कौन कौन है यहाँ पे। दिव्या की बुआ भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है दिव्या का अपनी बुआ से। और ये है दिव्या की चाची, ये दिव्या की चाची की बेटी तन्नू, और ये दिव्या की चाची का बेटा है। तो ये सभी लोग हैं, एक दिव्या की चाची की बेटी और है गौरी, जो कि वो सो रही थी। और ये है हमारा पार्क, यानी मेरी छोटी सिस्टर राधिका का बेटा, और ये है मेरा भाई नीरज भैया, मेरे बड़े, मतलब मुझसे तो बड़े हैं वो, मेरे बड़े भाई। और ये भाभी है मेरी भाभी, और ये है मेरा भतीजा मृदुल। ये लोग हैं, धीरे धीरे करके सब आते जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ,
कि ऐसे में ना मैं आपको बता सकती हूँ कि ज़्यादा जब वो रहता है और ये है केशव और ये है साथ में भाभी रेखा भाभी यानी बड़ी भाभी। तो ये लोग हैं और ये है मेरी भतीजी श्रद्धा और महक और ये है श्रद्धा की फ्रेंड। श्रद्धा की फ्रेंड भी है और दिव्या की फ्रेंड की सिस्टर भी है, ऐसे करके हैं दोनों साथ पढ़ती हैं। तो ये सब अब आ गई है मासी की बारी। तो मैं हूँ और राधिका है, हम दोनों बहनें हैं। अभी और बहनें आई नहीं थी, वो शादी से एक दिन पहले आई थी, यानी भात वाले दिन आई थी। और ये दिव्या की बुआ के बेटे हैं सूरज और ये दिव्या की बुआ, वो आपने देखा ही है। और बाकी ये जो दिव्या की बुआ के बेटे हैं ना सूरज, ये बहुत ही अच्छी मतलब फोटोग्राफी बहुत अच्छे से करते हैं, यही कर रहे थे सारी फोटोग्राफी घर पे, जो भी घर के फंक्शन हुए थे इन्होंने ही की थी। और बहुत ज़्यादा बेस्ट, बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह गज़ब की करते हैं। बस ग्रुप फ़ोटो हो रहा है यहाँ पे, सब लोग जो हैं ग्रुप में फ़ोटो करा रहे हैं दिव्या को बीच में लेके, ऐसे ही चलता रहता है बस यही। और उसके बाद में डांस होगा, सब लोग डांस भी करेंगे तो वो भी आप देखिएगा। देखिए कितनी धूप हो रही थी, मेहंदी वाले भी भैया बैठे थे, बहुत लेट हो रहा था। तो बस इसके बाद दिव्या की मेहंदी भी लगेगी। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो मैं लगा रही हूँ, जो ये कृष्णा है देख सकते हैं आप, अपनी दीदी के साथ फ़ोटो कराए हैं, राघव है और यही सब है। और इस वीडियो के साथ ही मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे कल, हल्दी की रस्म तो हो चुकी है, मेहंदी की रस्म के साथ और कई सारी रस्में होंगी उनके साथ में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है। मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।